बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हमारे चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर 9 है, जो कि एक्सरसाइज के एमसीक्यूज एंड एक्सरसाइज में मौजूद शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से है। आंसर का दी करेक्ट आंसर बोर्ड के जो एग्ज़ाम होंगे वहां पर आपने जो है वो सर्कल नहीं लगाना होगा, बल्कि आपने जो बबल शीट मिलेगी, बबल शीट पर आपने करेक्ट ऑप्शन फिल करने होंगे। आपको एक बबल शीट दी जाएगी। नंबर वन, आउट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 5A द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज पोजेस्ड बाय। तो जो ग्रुप 5A के एलिमेंट है उनमें हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? नाइट्रोजन की। एन अमंग ग्रुप 5A एलिमेंट द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज। ग्रुप 5A में कौन सा इलेक्ट्रो एलिमेंट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? नाइट्रोजन। ऑक्सीडेशन ऑफ NO इन एयर प्रोड्यूसेस। जब नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन करते हैं तो फिर क्या बनता है? N2O4 या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो बनता है। ठीक है, द ब्राउन गैस फॉर्म व्हेन मेटल रिड्यूसेस नाइट्रिक एसिड। तो ब्राउन गैस जो बनती है जब मेटल नाइट्रिक एसिड को रिड्यूस करता है, वो कौन सी गैस है? वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। लाफिंग गैस इज केमिकली। कौन सी गैस लाफिंग प्रोड्यूस करती है, कह के लगाने पे मजबूर करती है? वो N2O है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। आउट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 6 ए द हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज शोन बाय द एलिमेंट। तमाम एलिमेंट जो ग्रुप 6 ए में दिए हुए हैं, जो हाईएस्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो कौन सा एलिमेंट शो करता है? टेलूरियम। तो टेलूरियम का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी, मेल्टिंग पॉइंट भी आई है, बॉइलिंग पॉइंट भी आई है। सल्फर ट्राइऑक्साइड इज नॉट एब्जॉर्ब्ड इन वाटर डायरेक्टली टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को पानी में हल नहीं किया जाता ताकि सल्फ्यूरिक एसिड, क्यों नहीं किया जाता? वजह क्या है उसकी? रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है, जिससे सल्फ्यूरिक एसिड के मिस्ट बनती, एक वो फॉग बनती है, धुंध सी बनती है सल्फ्यूरिक एसिड की ड्रॉपलेट्स की, और वो ड्रॉपलेट्स कॉन्टैक्ट टावर को खराब कर देते हैं, पाइपलाइन को। विच कैटलिस्ट इज यूज्ड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में तब्दील करने के लिए वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है वो फर्स्ट ईयर के चैप्टर 6 का क्वेश्चन है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो O2 में होते हैं, जिसकी वजह से ये डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक सॉरी होता है। पैरामैग्नेटिक का मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड में अगर इसको रखेंगे लिक्विड ऑक्सीजन को, तो लिक्विड ऑक्सीजन मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज। इसमें दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें 5 शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी कि दोनों क्वेश्चन में मिलाकर 10 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, हो जाएंगे। तो दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें 5-5 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये 10 शॉर्ट क्वेश्चन। इसके अलावा कुछ और भी मैंने देखे थे शॉर्ट क्वेश्चन, उन सबके आंसर यहाँ पे लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसके शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज नाइट्रोजन डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट ऑफ इट्स ग्रुप। ये पहले पहले टॉपिक में भी शॉर्ट क्वेश्चन था। आंसर, नाइट्रोजन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अमंग ग्रुप 5A। ये चीज इसको मुख्तलिफ बनाती है नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन डज नॉट मेक यूज ऑफ डी ऑर्बिटल फॉर बॉन्डिंग पर्पस। नाइट्रोजन बॉन्डिंग बनाने, बॉन्डिंग बॉन्ड बनाने के लिए डी ऑर्बिटल का इस्तेमाल नहीं करता। नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज गैस व्हाइल अदर मेंबर एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। नाइट्रोजन गैस है, बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड हैं, फॉस्फोरस वगैरह। नाइट्रोजन शोज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। नाइट्रोजन जो है वो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी शो करता है। व्हाई डज एक्वा रिजे डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम। क्यों जो एक्वा रिजे गोल्ड एंड प्लैटिनम को डिसॉल्व कर लेता है? एक्वा रिजे इज ए मिक्सचर ऑफ
एक्वा रिजन इज ए मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड थ्री वॉल्यूम, यानी कि आप 3 ml या 3 cm³ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लेंगे एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड 1 वॉल्यूम, और नाइट्रिक एसिड का आप 1 वॉल्यूम लेंगे, यानी कि 3 cm³ उसके HCl के और 1 cm³ HNO3 नाइट्रिक एसिड के। तो ये 3:1 की रेशियो में आप लेंगे ये दोनों एसिड कंसनट्रेटेड। दिस मिक्सचर प्रोड्यूसेस नेसेंट और एटॉमिक क्लोरीन, ये मिक्सचर नेसेंट या एटॉमिक क्लोरीन प्रोड्यूस करता है। दिस नेसेंट क्लोरीन रिएक्ट विद गोल्ड एंड प्लैटिनम टू प्रोड्यूस सॉल्युबल क्लोराइड साल्ट। जब ये नेसेंट ऑक्सीजन क्लोरीन सॉरी नेसेंट क्लोरीन या एटॉमिक क्लोरीन गोल्ड या प्लैटिनम के साथ रिएक्शन करती है तो सॉल्युबल क्लोराइड साल्ट बनाती है, ऐसे क्लोराइड साल्ट जो कि पानी में हल हो जाते हैं। रिएक्शन देखें, नाइट्रिक एसिड 1 वॉल्यूम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 वॉल्यूम गिव्स अस नाइट्रोसाइल क्लोराइड, क्लोरीन गैस और वाटर। नाइट्रोसाइल क्लोराइड फॉर्म इज डिकम्पोज गिविंग NO एंड एटॉमिक क्लोरीन। तो नाइट्रोसाइल क्लोराइड डिकम्पोज होता है, इससे नाइट्रिक ऑक्साइड और एटॉमिक क्लोरीन प्रोड्यूस होती है। ये रिएक्शन दिया हुआ नीचे, NOCl गिव्स अस NO प्लस Cl एटॉमिक क्लोरीन। दिस एटॉमिक क्लोरीन रिएक्ट्स विद गोल्ड, 1 mole ऑफ गोल्ड एंड 3 moles ऑफ एटॉमिक क्लोरीन गिव्स गोल्ड ट्राइक्लोराइड। तो ये गोल्ड ट्राइक्लोराइड पानी में हल हो जाता है, तो इसलिए गोल्ड जो है पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाता है एक्वा रिजिया के अंदर। व्हाई द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 6 से अदर देन ऑक्सीजन शो मोर देन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बाकी एलिमेंट जो हैं वो 2 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, उसकी वजह क्या है? दी मेंबर ऑफ ग्रुप 6 से अदर देन ऑक्सीजन मेक यूज ऑफ डी ऑर्बिटल फॉर बॉन्डिंग। उसकी क्या वजह है कि जो ऑक्सीजन के अलावा मेंबर हैं वो बांटने के लिए डी ऑर्बिटल इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये जो है दीज एलिमेंट शो मोर देन 1 ऑक्सीजन स्टेट, ये एलिमेंट एक से ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। राइट दी कंपेरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। इसके लिए आप लेक्चर वीडियो लेक्चर नंबर 6 देखेंगे, उसके आखिर में जो है वो सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज डिफरेंसेस दिए हुए हैं, तो वहां से 2 सिमिलैरिटी और 2 डिसिमिलैरिटी वाले पॉइंट लिख लेंगे आप। राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉपर एंड एक्सप्लेन व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज। ये रिएक्शन है कॉपर प्लस 2 mole ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स अस कॉपर सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी और सल्फर की सल्फ्यूरिक एसिड में +6 और कॉपर की कॉपर सल्फेट में +2 और यहाँ पर +4। यहाँ पर देखें 0 से +2 होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया है, और सल्फर की +6 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, हासिल किए हैं इलेक्ट्रॉन, इसने सल्फर रिड्यूस हो गया है। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, क्योंकि कॉपर मेटल 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ऑक्सीडाइज हो रहा है, सल्फर जो है सल्फ्यूरिक एसिड में 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है और रिड्यूस हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगा। व्हाट इज मेंट बाय फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। द कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड विच फ्यूम्स स्ट्रांगली इन एयर। ये फ्यूम पैदा करता है एयर के अंदर, हवा के अंदर, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, इसको फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड भी कहते हैं, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को। नंबर 7, व्हाई इज सल्फर ट्राइऑक्साइड डिसॉल्व इन सल्फ्यूरिक एसिड एंड नॉट इन वाटर। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। द डिसोल्यूशन प्रोसेस ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। जब आप सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को पानी में हल करते हैं तो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है और हीट पैदा करता है, ये हीट सल्फ्यूरिक एसिड जो पैदा होता है उसको मिस्ट में तब्दील कर दे, धुंध में तब्दील कर देती है टाइनी ड्रॉपलेट्स की। तो सल्फ्यूरिक एसिड के जो है वो टाइनी ड्रॉपलेट्स मिस्ट की शक्ल में, धुंध की शक्ल में सामने आते हैं। दिस मिस्ट कैन अटैक एंड कोरोड पाइपलाइन एंड मटेरियल ऑफ कंटेक्ट टावर। ये मिस्ट अटैक करती है पाइपलाइन को और कंटेक्ट टावर के मटीरियल को। दैट इज वाई सल्फ्यूरिक एसिड इज डिजॉल्व इन सल्फर ट्राइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन सल्फ्यूरिक एसिड। इसी वजह से हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व नहीं करते बल्कि सल्फ्यूरिक एसिड में डिजॉल्व करते हैं और ओलियम बनाते हैं या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। ओलियम में हम पानी डालकर अपनी मर्जी का किसी भी कंसंट्रेशन वाला
सल्फ्यूरिक एसिड तैयार कर सकते हैं, ये वजह होती है। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें भी पांच शॉर्ट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द रिंग टेस्ट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट इन सॉल्यूशन। इन द रिंग टेस्ट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन इज एडेड टू नाइट्रेट इन सॉल्यूशन। हम एक टेस्ट ट्यूब में नाइट्रेट इन सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन डालते हैं, उसके बाद थोड़ी सी अमाउंट में कंसंट्रेटेड, यहाँ पर फिर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। अबव मिक्सचर में ए ब्राउन रिंग इज फॉर्म एट द जंक्शन ऑफ द टू सॉल्यूशन ड्यू टू द फॉलोइंग रिएक्शन। ए ब्राउन रिंग बन जाता है जो सॉल्यूशन के जंक्शन पर, तो रिंग क्यों बनता है यहाँ पर, ये रिएक्शन की वजह से बनता है रिंग। फेरस सल्फेट असल में जो ये जो फेरस आयन होते हैं, एफी आयन जो होते हैं फेरस आयन, ये नाइट्रेट आयन को रिड्यूस करते हैं, तो ये एनओ प्रोड्यूस होता है। ये जो एनओ प्रोड्यूस होता है ये फेरस सल्फेट के साथ ये एडिशन कंपाउंड ये बनाता है, ये ब्राउन कलर का कंपाउंड होता है FeSO4NO। अब आप इस टेस्ट की वीडियो देखें। थोड़ा सा और डालेंगे सॉल्यूशन, ये रिंग टेस्ट था हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, NO2 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्रूव द ट्रूथ ऑफ दिस स्टेटमेंट गिविंग एग्जांपल। तो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये कैसे आप एग्जांपल से बताएंगे। इट इज स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर, फेरस सल्फेट एंड फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट एंड पोटेशियम आयोडाइड टू आयोडीन। ये रिएक्शन आप लिखेंगे, ये हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में चेंज कर रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर में, और फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में, और पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में चेंज कर रहा है, यहाँ पर आयोडीन में चेंज कर दिया, तो ये जो है वो ऑक्सीडाइज कर रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड, फेरस सल्फेट, पोटेशियम आयोडाइड को। क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन एंड नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद आर्सेनिक एंड एंटीमनी। तो ये नाइट्रिक एसिड का टॉपिक ये वहां से लिया गया है। मेटलाइड यानी सेमी मेटल लाइक आर्सेनिक एसिड एंड एंटीमनी कैन बी ऑक्सीडाइज टू देयर कॉरस्पोंडिंग ऑक्साइड। तो मेटलाइट जो होते हैं उनको आर्सेनिक और एंटीमनी जो ऑक्साइड उसमें हम ऑक्सीडाइज करते हैं और एसिड में तब्दील कर देते हैं। ये रिएक्शन है आर्सेनिक प्लस 5 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड गिव्स अस हाइड्रोजन आर्सेनेट, ये एसिड है, 5 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ वाटर। एंटीमनी प्लस 5 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड गिव्स अस हाइड्रोजन एंटीमोनेट प्लस 5 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड प्लस 1 मोल ऑफ वाटर। गिव द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ PCl3। ये भी बोर्ड में शायद क्वेश्चन आया हुआ है, ऊपर वाला, ये सारे इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। प्रिपरेशन मेथड इसका, इट इज यूजली प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग व्हाइट फास्फोरस इन ए रिटार्ट।
रिटार्ट एक क्लोज ग्लास वेसल होता है, एक बर्तन होता है ग्लास का बना हुआ शीशे का, उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस रखते हैं, डालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालते हैं, और ड्राई क्लोरीन यानी मॉइस्चर नहीं होना जो वो पास करते हैं। दी वेपर ऑफ PCl3 आर कलेक्टेड इन फ्लास्क कैप्ड इन आइस बाथ। तो उसके बाद जो है ये 2 मोल ऑफ फास्फोरस वाइट वाइट फास्फोरस प्लस 3 मोल ऑफ क्लोरीन गैस गिव्स अस 2 मोल ऑफ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। इट मे ऑल्सो बी प्रिपेयर बाई द एक्शन ऑफ फास्फोरस विथ थायनाइल क्लोराइड। 2 मोल ऑफ फास्फोरस 4 मोल ऑफ थायनाइल क्लोराइड गिव्स अस 2 मोल ऑफ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस सल्फर मोनोक्लोराइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड इज पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट, प्रूव गिविंग एग्जाम्पल। तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जो है पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, आप कैसे साबित करें? ये बोर्ड में हर दूसरे बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये मतलब बार बार ही आया हुआ है क्वेश्चन, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड इज पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट विद नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड एसिटिक एसिड एंड इथानोल। इट गिव्स नाइट्रिक एनहाइड्राइड सल्फर ट्राइऑक्साइड एसिटिक एनहाइड्राइड और इथीन। तो ये जो ऊपर कंपाउंड है नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड एसिटिक एसिड और इथानोल या इथाइल अल्कोहल, इसको ये वाटर इनमें से निकाल देता है, रिमूव कर देता है। ये रिएक्शन दिए हुए इनके 2 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड प्लस फास्फोरस पेंटाऑक्साइड गिव्स अस 1 मोल ऑफ N2O5 प्लस 2 मोल ऑफ मेटाफास्फोरिक एसिड, 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 1 मोल ऑफ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड गिव्स अस सल्फर ट्राइऑक्साइड 1 मोल, 2 मोल ऑफ मेटाफास्फोरिक एसिड, 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सिरके में पाया जाता है, विनीगर या सिरके में, प्लस 1 मोल ऑफ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड गिव्स 1 मोल ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड प्लस 2 मोल ऑफ मेटाफास्फोरिक एसिड, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, 1 मोल ऑफ इथेनॉल प्लस 1 मोल ऑफ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड गिव्स 1 मोल ऑफ इथीन प्लस 2 मोल ऑफ मेटाफास्फोरिक एसिड। यहाँ पर हमारे पास मेटाफास्फोरिक एसिड होगा, यानी कि HBO3 आएगा, 4 नहीं आएगा। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। फॉर मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल।